तबलीगी मरकज बनाने की कोशिश हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को शिकायत बकायदा इस बाबत मिली कि डीपीएस मथुरा रोड के पास एक मस्जिद में दूसरा मरकज बनाने की तैयारी चल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो इस मस्जिद पर कब्जा कौन करना चाहता है? इस मस्जिद पे कब्जा करना चाहता है तबलीगी मरकज वाले जो निजामुद्दीन में वो करते हैं, जो उनको मालूम है कि अब निजामुद्दीन का मरकज ये खुलेगा नहीं, जो मार्च में बंद हुआ है, तो इनको एक अल्टरनेटिव जगह जरूर चाहिए। तो ये कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन अब ये ज्यादा जोर पकड़ लिया है, क्योंकि इनका वो मरकज हाल ही खुलेगा नहीं, तो वहां से काम शुरू होगा नहीं, तो इसलिए इनको कोई ना कोई जगह चाहिए। जो तबलीगी मरकज के लोग जो वहां आए थे, वो लोग ऐसा इस लेटर को दिखा रहे थे जो अमानतुल्लाह खान साहब 2018 में बनाया था, टर्म ऑफ वन ईयर के लिए एक कमेटी बनाई थी, जो मरकज से रिलेटेड लोगों की कमेटी है, और जबकि इनका टाइम 16 दिसंबर 19 में खत्म हो गया, लेकिन इस कमेटी के बिहाफ पे वो कह रहे थे कि दिस इज द वक्फ प्रॉपर्टी और यहाँ पे ये हमारे लोगों को नमाज पढ़ाने की इजाजत दी जाए। नहीं तो क्या ये वक्फ की प्रॉपर्टी है जैसा अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं? आपका कहना बिल्कुल नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी LNDO की है। और इतना ही नहीं, ये इसी जगह पे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक FIR भी हो चुकी है। नहीं तो इसमें जो कमेटी बनाई गई, इसमें ये मैं देख पा रहा हूँ मसरूर अहमद का नाम लिखा है, निजामुद्दीन हलके के जिम्मेदारों में से है ये। तो मसरूर अहमद कौन है आप बताइए? ये मौलाना जुबैर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, ये करीबी हैं। मौलाना जुबैर कौन है? मौलाना जुबैर जो है मौलाना साहब के कजन भाई थे, जिनकी 2014 में डेथ हो गई। 2014 से पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन सारा मामला 2014 के बाद इनको महसूस हुआ कि एक और मरकज की जरूरत है यहाँ पे, जब ये मामला सोल्व हो पाएगा।